कौन है ये बता कैसे एंट्री मिली थी? मतलब लड़की होने का फायदा होता है। चेकिंग वालों ने पकड़ लिया यार, टिकट नहीं लिया था। तो इस दुनिया में भी गलती थी यार। वेलकम बैक अगेन, एक घंटे के पेपर में आपका स्वागत है। आज का भाई थर्ड लास्ट पेपर। रिसेंट में रामजस कॉलेज का पता क्या हुआ भाई? एक एक्सीडेंट हुआ बहुत तगड़ा वाला। ये जो पिलर था ना भाई, उखड़ के सीधा गायब। तो वही अपना डे स्टार्ट होता है कहाँ से? एग्जाम के जस्ट 10 मिनट पहले। एग्जाम है बस एक घंटे का, ईवीएस का है 48। तो एग्जाम के बाद मिलता हूँ, ठीक है? One semester later. ओके गाइस, पेपर हो चुका है फाइनली। क्लासरूम में से निकल आए। और भाई पेपर एक घंटे का था तो कर दिया जितना लिखा था भाई। 3 क्वेश्चन करने थे, उसमें से भाई 2 पूरे कर दिए थे, 1 हाफ कर दिया था। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आए नहीं थे यार, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ से निकलना भाई सारे के सारे। धूप आ रही बहुत तगड़ी वाली। बैग पैक करके चलते हैं। दो सर थे भाई, दोनों सामने बैठे थे, एकदम छाती पे बैठे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो आज का पेपर था, हो गया वो। अब कल का पेपर है, वो भी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद लास्ट बचेगा मेरा। और 18 के बाद आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है बहुत तगड़ा। या कह सकते हो कि तुम्हें एक ऐसी जगह घुमाने वाला हूँ मैं, जो तुम में से कुछ लोगों ने शायद घूमी होगी, लेकिन बहुत से, मैं कह रहा हूँ 90-95% लोगों ने नहीं घुमा हुआ अभी तक, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनने। तो मैं वहाँ घुमाने वाला हूँ तुम्हें पेपरों के बाद, क्योंकि प्लान पूरा तैयार है। तो भैया ले, कहाँ आ गए भाई? हिंदू कॉलेज में आ गए भाई से मिलने, बहुत दिनों बाद भाई। क्योंकि भाई मैं था अगले फ्लैट पे, मैं था भैया के यहाँ पे, और भाई के साथ 2-4 कितने दिन हो गए भाई पिछले वाले पेपर से लेके अभी तक। मैं भाई 8 दिन हो चुके हैं, मिला नहीं हूँ मैं अभी तक। तो भाई फाइनली हिंदू कॉलेज में आ गया। ईवीएस का एक घंटे का पेपर था भाई, 2-3 क्वेश्चन करने थे भाई, 1.5-2 करके आ गया। पास तो हो ही जाऊंगा ना। 3 जने पढ़ रहे हैं फिलहाल हिंदू कॉलेज से, मैं हूँ, ठीक है? ये भी है भाई, और एक और ये भी हिंदू कॉलेज से, ठीक है? कैसा गया पेपर मैडम जी? ये फर्स्ट ईयर वालों का यार, अगले दिन पेपर होता है हमारे। अगले पेपर खत्म, शर्मोत्कर्ष क्या बात कर रहे हो यार? ना मेरे पास वैक है, दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मतलब हम पे इतना जुर्म क्यों कर रहे हो भाई? 18 तारीख तक पेपर है, 18 तक पेपर है इनका, पहले ही खत्म कर दिया यार। ये गलत बात है भाई तुम्हारी यार, ट्यू वालों। ठीक है, बाय बाय। डोरेमोन ए भाग के क्यों आ रही है? देख इतनी दूर से दौर पे मांगने आई है। दौर आ खुल चिल्लर नहीं है भाई, लूपेन चाहिए था। दौर पे सुनाई दे। ओ ये कर दिया तूने, देख 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 कैसे खड़ी हुई है, देख स्क्रैबल। मैं कह रहा हूँ देख, मैं उसमें मार दूंगा तो फेंक के। वाइट पे चला दिया देख लड़की ने। मैं कह रहा हूं, मैं ना पक्का वाला कारीगर कारपेंटर आरती केएमसी। ये जो चीज है ना, बताया क्या है? ओए यार चीज, ये पेड़ का नाम क्या है? चीता। अरे वर्जन ट्री, वो उसको भी पता है उस तरफ है। अच्छा इसका चीता है? अरे नहीं ये तो कुछ नहीं है। और ये लाइब्रेरी पूरी बन गई है भाई, नई लाइब्रेरी बनेगी। हिंदू वाले पूछ रहे हैं भाई हॉस्टल, नई लाइब्रेरी हॉस्टल भाई तब बन पाएगा, तुम्हारा फर्स्ट सेकंड ईयर खत्म हो जाएगा, नए बच्चे। वेट करते रहो तुम भाई इधर उधर। की नींव भी नहीं रखी गई है। अच्छा 2-3 साल में जब तक जिंदा रहोगे तब तब तक बन जाएगा, अगले साल के बजट में। ऑडिटोरियम कर दे दे, एन लिखा है तो दिख नहीं रही। चश्मा दे भाई इसको। नहीं लिखा है एन न, मेजोरिटी देखियो क्या लिखा है एन। मेजोरिटी कैसे होगी? 3 लोग एन देख, 3 लोग हैं मेजोरिटी। दो जने क्या होता है, ज्यादा लोगों की सुनी आती है भले ही वो गलत हो। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, ABCDEFGHIJKLMN। नहीं गलत सुना है तूने, ABCDOPQRSTU कुछ भी, WXYZ गलत बात। देखा मारियो। एक मिशन लेके आया हिंदू कॉलेज में, आज एक भाई से मिलने आए अपन, जो कि तुमने देखा ही होगा भाई, कई बार ब्लॉग में देखा होगा। ये कौन है भाई? भाई मार इसको, बाहर निकल भाई। लिखा पहले
भाई ये क्यों पकड़ रहे हो यार, मैं यहीं का हूं यार, तुम पहचान नहीं रहे हो मुझे। देखो आईडी कार्ड दिखा रहा हूं। प्रकार तो होगा, प्रकार निकाल ले। क्या पूछ रहे हो भैया? क्या पूछ रहे हो भैया? एक पेन ही दे दे वरना कड़ा खोलना पड़ेगा। अब बता भाई वाइट है मेरा, देख वाइट गंदा हो जाएगा। चलो गाइस बच्चों से मिलने चले। राहुल को कहा है? राहुल रिव्यूज देने पे। राहुल वही है। अरे वो फोन लगा रहा था भाई कि कहाँ हो। मैं नहीं आ रहा, मैं बता दे उसको नहीं आ रहा। अरे उससे बोल दियो, उसने उनने पकड़ लिया बस चेकिंग वालों ने, 200 रुपए मांग रहे हैं। हेलो भाई कहाँ है तू यार? अरे यार कैंटीन यार मैं वहाँ जा रहा था यार, बस स्टैंड पे, तो यार वो चेकिंग वालों ने रख लिया यार। क्या रख लिया? चेकिंग वालों ने पकड़ लिया यार, टिकट नहीं लिया था तो मैं उधर की साइड आ रहा था। अच्छा। हाँ तो उधर चेकिंग वालों ने पकड़ लिया। अब ये बता देख, अब मेरे पास भाई पैसे वैसे ना है, अब तू सेंड कर दे 200 रुपये यार मुझे। ठीक है ठीक है, नंबर तो बताया ना मेरा? हाँ यही वाला। जल्दी कर दे भाई। The following Thursday. भाई उसने कह तो दिया कि आएंगे, अगर बोला है तो आएंगे। भाई मेरा नेट बंद था, मैंने देख नहीं पाया। चलो अब दो सौ रुपए फोन नहीं उठा रहा बहन का। भाई ना कर दिए 200 रुपए चलेंगे बड़े भाई, होना चाहिए। इस तरह से आप राहुल से नंबर रुपए ले सकते हो, नंबर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। भाई ये मिला है भाई, हिंदू म्यूजिक ऑफ ट्रुथ इंद्रप्रस्थ सिंस 1899। भाई हम मैगजीन लेके आए अपन, देखियो हिंदू कॉलेज के विंडो से। अब ये है क्या चीज, इसको एक्सप्लेन करोगे थोड़ा? कॉलेज की एनुअल मैगजीन। ठीक है इतना तो पढ़ लिया मैंने, अंदर बताओ। 87th एडिशन है ये, ठीक है। अरे इस साल ले ऐसे इज्जत करो भाई, कॉलेज की मैगजीन है। जय हो। 89 को बताएं इंग्लिश में क्या कहते हैं? गाइस ये देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है यार यहाँ से, कॉलेज वाली वाइब आ रही भाई। देखो यहाँ से तहे दिल से जनता जानना चाह रही है कि आपका सीबीटी स्कोर क्या है। मेरा स्कोर बहुत आई है, 750। सच में 98 तो था तेरा। चलो ये बताओ ऐसी कैसी पढ़ाई की थी यार तुमने कि इतने नंबर आ गए 750 प्लस? जो मन में आए वो तुक्का लगा दे, तुक्का कर मार और खत्म, जो मन में आए वो लगा दे। ये बच्चों को मिसगाइड कर रहा है। इससे पूछ कैसे आया भाई? मैं तो गलती से आ गया हिंदू कॉलेज। सही बात, तू इस दुनिया में भी गलती थी यार। नहीं, 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 नहीं। कैसा गया भाई पेपर? बढ़िया भाई। अच्छा गया पेपर? कैसा जाता है पेपर? तो चला जाता है बहुत जल्दी आ गया। ये भाई हमारे हिंदू वाले छात्र इनसे पूछते हैं भाई, इनसे पूछो पल्लव से। पल्लव भाई ये बताओ एक्सपीरियंस बताओ अपना, 2 साल का एक्सपीरियंस बताओ भाई। से बोल सच सच बोल ना, सच सच देखो हिंदू के छात्रों भाई बहुत ही आदरणीय है। पहले तो नाइस से मिल चुका पल्लव जी आपको। इनका नाम वो बना भाई, फोल्ड कर उसको। इनका नाम पल्लव, इनका नाम पल्लव पुष्प है। हां जी पल्लव भाई आप हिंदू आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बस कहने के लिए था। मैं हिंदू आ गया यार, मैं तो हिंदू में ही हूं। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहे हो क्या? हाँ सीरियस चल रहा है। देखो अपना एक्सपीरियंस बताओ, 2 साल से पिछले साल मतलब आए थे ना जब से अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है? पॉजिटिव तो बहुत है इसमें, एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ का और चीजें बहुत अच्छी है जैसे सोचा था वो ठीक है। नेगेटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। नेगेटिव ये है कि ज्यादा बना दिया है, लॉन्स खत्म कर दिए हैं। अच्छा, थोड़े लॉन होने चाहिए थे बैठने के लिए, ऐसे वाले लॉन होने चाहिए बैठने थे। और बस ठीक ही है, कैंटीन का थोड़ा सुधार हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कैंटीन दो दो कैंटीन है यार, और क्या चाहिए? दो कैंटीन होने से नहीं प्रॉब्लम क्या ये तो बता दो। कैंटीन में घिसा पिटा खाना मिलता है डेली, वही खाने भाई सारे कॉलेज में यही मतलब ज्यादातर है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कुछ वैरायटीज हो, बच्चे मतलब पैसे देके खाते हैं, ऐसे फ्री में तो खाते नहीं है, तो पैसे लेते तो फिर सही सही खाना दो। पॉइंट है भाई, पैसा देते हैं भाई बच्चों को, खाना अच्छा मिलना चाहिए। सही बात है। डिपार्टमेंट सारे अच्छे, हिंदी डिपार्टमेंट बेस्ट है। बहुत अच्छा भाई रिव्यू है, और जो भी क्वेश्चंस हो बता देना और पूछ लें हिंदू में आके। सीबीटी स्कोर और बता दो अपना। मेरा ज्यादा नहीं 720 था। 720 बता दे। कैटेगरी ईबीसी मतलब बीसीयू। ईसीबी सेंट्रल वाले बताओ। सेंट्रल वाले में नॉन क्रीमी ओबीसी। ओके ओबीसी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी थी। एनसीएल जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट डाउन, अपन फिर से हिंदू में आके पूछ लें। वैसे मैं यहीं का हूँ यार, मैं आता रहता हूँ। संडे था बच गया ना, ऑडी के नीचे आ जाता तू। और यार कल यार क्या गंदा हादसा हुआ यार रामदास कॉलेज के, वो पिलर मैंने बताया स्टार्टिंग में भाई फूट के अलग हो गया ऑडी वाले भाई, और एक की भाई डेथ भी हो गई थी उधर ऑडी वाले। अब उनकी जांच हो रही है कि भाई दारू पी के चला रहता है क्या कर रहा था, लेकिन दारू पी के इसका मतलब क्या है भाई? तुम चला के ठोक दो एक को मार दो फिर पूछो कि दारू पिया नहीं जी पिया, ये क्या मतलब भाई? मार दिया ना तुमने तो भाई
उसकी सजा होनी चाहिए तुम्हें। अब ये चाहे दारू पिया हो या नहीं पिया हो, बात तो वही है ना, जनसंख्या आज पॉपुलेशन के बेस पे लिख के आए थे बताओ एनवायरमेंट में। ये केस ना इस चीज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो अलग है, हमारा पेपर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इंडिया में लोग कम होने चाहिए, इंडिया भाई सबसे टॉप लेवल की पॉपुलेशन है भाई, और मैं तो भाई एग्जाम में एग्जांपल में लिख के आया हूँ कि हम दो हमारे दो दो भी थे। पहले की पॉलिसी थी, अब और कम करना, और कम करना पड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज में तो पॉपुलेशन को ग्रोथ करने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, कीड़े की तरह घूम रहा है, हम भी है, भीड़ तो यार सारी जगह भाई, पर यहाँ ना भीड़ के हिसाब से अगर डेवलपमेंट हो जाए ना तो भाई और मजा आ जाए, क्योंकि चाइना में देखो ना तुमने भीड़ काफी है और डेवलपमेंट इतना कि मजा ही आ जाए, ऐसा इंडिया में होना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे दो साल से हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, डेवलपमेंट करेंगे, ये पर्सनल हो गया भाई। तो इन्हें कैंटीन आ चुके हैं भाई, राहुल साहब से मिलते हैं, उन्होंने 200 अभी पत्ती 10-200 की पत्ती ट्रांसफर की है, बोरा भाई बोरा, ये राहुल साहब हमारे 200 रुपए वाले भैया, भाई ने एकदम टाइम पे आके बचा लिया भाई, टीटीसी वालों ने पकड़ लिया था भाई, मैं कह रहा भाई 200 बत्ती देख लिया, पैसे वैसे लाया नहीं मैं, भाई को कॉल किया, भाई ने तुरंत 200 की बत्ती ट्रांसफर की, मैंने उसको ट्रांसफर की ले। कैसे भाई? नाइस टू मीट यू भाई। भाई अब एक खुलासा करने वाले हैं कि टीटीसी वाला मजाक था। अरे मजाक था वो भाई, बिल्कुल भाई प्रैंक हो रहा था भाई, मैं कि भाई देखते हैं कितने जल्दी भाई, ये आइडिया इनका ही था, ये छचोरों का लोंडो का पेट का भला होगा। हिंदू कॉलेज की ये कैंटीन है भाई, कैंटीन कैसे बैठो सर भाई, पत्तल पत्तल चल रही है भाई, पत्तल ठंड लग रही थी यार मुझे, भाई लुक कत ही हैवी लग रहा है यार तेरा, और जहर मजा आ गया, एसी भाई खुला नेचुरल एसी, इतनी अच्छी वीडियो थी भाई, इतनी अच्छी मैं क्या बताऊं भाई, रेटिंग वाली भाई, वो फेक रेटिंग थी वैसे, इनकी रेटिंग देखा नहीं, कमेंट हो भाई तुम्हारे साथ थे भाई, जितने भी कमेंट थे ना सारे के सारे तुम्हारे साथ थे, भाई ये कौन है, ये मजा ले रहे थे, धोखा ही तो यही हुआ, धोखा ही था, रिप्लाई नहीं किया था बस मैंने, कमेंट तो पढ़ लिया मैंने, सही कमेंट आ रहा है भाई लोगों के साथ, और ऐसा कोई हो सकता है कि कुछ कह दे भाई लोगों से, डाल ले पानी डाल ले, ये भर के लिया फिर डाल से पानी मार दे, अब की बार पूछे फिर से हिंदू के बाहर करवा, इस बार फिर से कर लेंगे भाई, हिम्मत कर भाई, अरे इस बार हिंदू के बाहर करवा, अब हिम्मत नहीं रही भाई, अब हिम्मत नहीं रही, रैंडम सीधे रैंडम, अब तो भाई साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस वाली से कर भाई, नॉर्थ कैंपस वाली से, रेटिंग नहीं सीधा खड़े करेंगे भाई सामने से आके, खड़े नहीं मेरे भाई, सीधे खड़े भाई, पता है तुम बस चूज करो, तुम्हारा स्वयंवर करवा, सिर देखिए उठा दीजिए, खड़ा हो जाइए, सिर ये बताओ भाई पेपर खत्म होने वाला है, कहीं घूमने का प्लान है या नहीं है? घूमने का मेरा सबसे बेहतरीन प्लान, अभी जाऊंगा घर तो जाना ही है यार, घर का कौन रुक रहा है यहाँ, पैसा बोलते हैं पैसे की बात मत करो, तुम बस देश का नाम बताओ। अच्छा थाईलैंड में सबसे पहले जाके क्या चीज करना है? सत्संग करेंगे पहले, भजन करेंगे बैठ के, पहले आत्मा को शुद्ध करेंगे, आत्मा ध्यान लगाएंगे, एक छोटी इंद्रिय है कोई शुद्ध, तेरी छोटी हो गया मेरी तो बड़ी है, भाई वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है ना, बाहर देखूंगा, मेरा मिस हो गया भाई, आज भर रात के भगवान के बारे में जान गई एवरेज साइज देखने के बाद बात तुमने ठीक कर दिया, स्वाहा आलू के पराठों का भैया, यहाँ खाना पीना हो चुका है पूरा, और लोगों के भाई सबके प्लान बनने अलग अलग जगह घूमने के भाई, भाई मैं सिंपल आ रहा हूँ, ये गोवा जा रही है, तू कहाँ जा रहा है? मैं गोवा नहीं जा रही है, तू बता कहाँ जा रही है? मैं
समर घर पे अपने घर जा रही है। कोई ना घर पर हो यार, मौज करो तुम घर पर बैठ के यार। पोवो देखो, मैं मूवीज देखो, पोवो देखो। और पेपर के बाद मैं भी तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ तुमने सोची ना होगी। अपने घर के टूर कराएगा ये। घर तो जाऊंगा ही, उसके बाद और कहीं भी जाना यार, बहुत दिन हो गए, बहुत घूमे नहीं है कहीं। लॉन्ग वे में दिल्ली से लद्दाख की ट्रिप करूंगा भाई मैं एकदम बाइक से। वो मजा आएगा। बाइक चलानी आती तेरे को भाई? कार भी चलानी आती है बाइक क्या? वो तो अलग है। सही में लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस है लाइसेंस पकड़ लेंगे से, वहाँ जेल में डाल लेंगे। अभी बना नहीं है लाइसेंस, पर मैं अभी नहीं जा रहा। फोटोज क्लिक करने के लिए लड़कियों की जरूरत नहीं होती, एक ट्राईपॉड की जरूरत होती है और फोन हाथ में। अरे तो मैं फोटो क्लिक कर दूंगी तुम्हारी। मैं जाऊंगा बस एक चीज, एक जने के साथ घूमने जाऊंगा बस मैं, अपने फोन के। अपनी वाइफ, अपनी गर्लफ्रेंड, वो इस वीडियो को देख रही है। सिक्स ट्रिपल जीरो। कैसे समझ रहे हो आप भाई? मैं देखो पहले एक लॉन्ग ट्रिप करूंगा सोलो, कहाँ तक? रशिया तक। और रशिया के बाद देखते हैं, अगर कोई जुड़ता है तो ठीक है, नहीं जुड़ता तो भाई सिंगल। चला लाइब्रेरी, चलो गाइस मनाली की टिकट करा ली है, अब सीधा मनाली चलते हैं। अभी चल रहे हैं, अभी के अभी तुरंत प्लान बना, तुरंत की तुरंत निकलते हैं। चले मैं भी जा रही हूँ। केला 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 कहाँ गया मेरा? केला ले गया यार मेरा, क्या पढ़ाता। अच्छी अच्छी